गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गिरधर दास मुंद्रा बाल भारती सेकेंडरी स्कूल में आपका वेलकम करते हैं और गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार हमारे विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही है। आज हम 10th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका टॉपिक चल रहा था पोयम। पोयम की हमने रीडिंग की थी, उसके वर्ड मीनिंग को हमने पढ़ा था और लर्निंग भी किया था। जो पोयम चल रही थी हमारे, उसका नाम था द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन होता है उसकी कथा, उसकी कहानी, इसको हमने पढ़ा था। किस तरीके से बेलिंडा के घर में पेट रखे हुए थे, इंक ब्लिंक मस्टर्ड और एक कस्टर्ड और एक रेड वेगन भी थी। सभी पेट उस कस्टर्ड ड्रैगन को हमेशा टिकल्ड करते थे, चिढ़ाते थे। और किस तरीके से जब पायरेट उनके विंडो में से आ रहा था तो बचाया था उस ड्रैगन ने, जबकि उसको कवार्डली डरपोक किस्म का समझते थे। इस तरीके से कोई जो हमने पढ़ी थी, वर्डिंग हमने कर लिए थे और इसकी रीडिंग कर ली थी। आज हम उसी पोयम के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ में रीडिंग करेंगे और मैं हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, आपको समझना है। Why did custard cry for a nice safe case? कस्टर्ड जो था ना, वो हमेशा क्यों रोता रहता था, क्यों चिल्लाता था? फॉर ए नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित अच्छे पिंजरे के लिए। क्या रीजन था? वो हमेशा ही क्राई करता रहता, चिल्लाता रहता, ये रोता रहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 2 क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या ऐड किया है, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कवार्डली ड्रैगन? और जो ड्रैगन जो था उसको कवार्डली ड्रैगन यानी डरपोक ड्रैगन के नाम से क्यों पुकारते थे? क्या रीजन था भाई उसको डरपोक कहकर के पुकारते थे? या फिर एक क्वेश्चन ऊपर का है कि वो हमेशा ही नाइस सेफ केस के लिए क्यों चिल्लाता था? इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो 1 है इसमें इसको देखते हैं। कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, कस्टर्ड चिल्लाता था एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए, केस अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए। यहां पे क्राई दिया हुआ है, जब पास्ट में बनाएंगे तो क्राइड सेकंड फॉर्म आ जाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये पास्ट का क्वेश्चन है, पास्ट रूप में है। जब आंसर पास्ट में बनेगा तो क्राई की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्राइड। कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केयर, कस्टर्ड हमेशा ही अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता था, ये रोता था। बिकॉज क्योंकि ही थॉट, वह सोचता था द हाउस इन विच दे लिव्ड, वह घर जिसमें वो रहते हैं वाज अनसेफ, वो कैसा है? सेफ नहीं है, वो अनसेफ है। किसी का भी अटैक वहां हो सकता है
ऐसा उसने विचार किया होगा, ऐसा उसने सोचा था, इसलिए वो हमेशा चिल्लाता था कि मुझे नाइस सेफ केस दे दो। यहां तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कवार्डली ड्रैगन। अब उस ड्रैगन को क्यों एक डरपोक ड्रैगन के नाम से पुकारते थे, इसका आंसर देखो सातवें एंड है इसके। द ड्रैगन इज कॉल्ड, उस ड्रैगन को पुकारा जाता था कवार्डली ड्रैगन, बिकॉज क्योंकि उसको इसलिए डरपोक ड्रैगन के नाम से पुकारते थे क्योंकि He always cries, कि वो हमेशा ही चिल्लाता है। Cried, fast मना देते इसको। He always cried, वो हमेशा चिल्लाता था for a nice safe cage, हमेशा एक अच्छा पिंजरा दे दो मुझे, अच्छे पिंजरे में रहूंगा मैं, nice safe cage मुझे दे दीजिए। तो इस तरह से वो चिल्लाया करता था, इसलिए उसको क्या है कि कोवार्डली ड्रैगन या डरपोक ड्रैगन के नाम से सभी उसको चिढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर टू, बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसको गुदगुदाती थी, बेलिंडा उसको चिढ़ाती थी या गुदगुदाती थी। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वह बिना दया किए बुरी तरह से दयाहीन होकर के चिढ़ाती थी, ये हमने पोएम में पढ़ा था। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ वाई, क्यों, क्या रीजन था कि वो इस तरह से उसके साथ में किया करती थी, व्हाट वाज द रीजन फॉर टिकलिंग इट। देखिए आंसर शुरू करते हैं, बेलिंडा डिड सो, बेलिंडा ऐसा करती थी बिकॉज, क्योंकि डिड सो मिस करती थी, सो इसलिए ऐसा, बेलिंडा ऐसा करती थी बिकॉज, क्योंकि इट वॉज दियर पास्ट टाइम, क्योंकि उसके मनोरंजन के समय था, पास्ट टाइम मनोरंजन करने के लिए और अच्छा समय बिताने के लिए वो ऐसा किया करती थी, PASTTIME पास्ट टाइम, क्योंकि वो अच्छा समय बिताने के लिए उसके साथ में ऐसा करता था। दे सेट लॉफिंग इन द रेड वेगन, दे वे सेट बैग जाते थे लाफिंग, हंसते हुए, लाफिंग LAUGHING, वे हंसते हुए बैठ जाते थे इन द रेड वेगन, लाल गाड़ी में जो बेलिंडा के घर में थी, उस लाल गाड़ी में बैठ जाते थे। बट द ड्रैगन यूज्ड, लेकिन ड्रैगन जो है यूज्ड टू क्राई, हमेशा चिल्लाया करता था। यूज्ड टू का मतलब कोई वर्क कंटिन्यू करना किया करता था, यूज टू क्राई चिल्लाया करता था, रोया करता था फॉर ए नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए, सुरक्षित अच्छे पिंजरे के लिए हमेशा चिल्लाता रहता था वो। और बाकी सभी जो है लॉफिंग करते हुए रेड लेकर में घूमते थे और वो चिल्लाता रहता था मुझे सेफ नाइस जो है पिंजरा दे दो, ऐसा बोलता था वो। सो इसीलिए ये रीजन था, बेलिंडा टिकल द ड्रैगन अनमर्सीफुल, बेलिंडा है, बेलिंडा थी वो उसको चिढ़ाया करती थी ड्रैगन को अनमर्सीफुल, बिना दया किए ही उसको चिढ़ाया करती थी, ये उसका मेन रीजन था। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चंस अब आपके सामने होंगे, उनको हम पढ़ेंगे।